ट्रांसजेंडर जिन्हें अरफे आम में हिजड़ा कहा जाता है। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल अक्सर हताकामेज़ अंदाज में सुनने और देखने को मिलता है, मगर कहने वाले इस बात का ख्याल ही नहीं रखते कि ये लफ्ज़ ट्रांसजेंडर की समातों पर गिरा गुजरता है और इनकी दिलाजारी का बायस बनता है। इसके बरक्स पाकिस्तान के सनफी हुकूक के लिए सरगर्म हलकों की तरफ से एक शायस्ता और सियासी और समाजी तौर पर कबूल शुदा लफ्ज़ ख्वाजा सरा का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसजेंडर की हैसियत से पैदा होना इनका इंतखाब नहीं, बल्कि ये कुदरत की तख्लीक का एक मजहर है। इनका मजाक उड़ाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। आइए मिलते हैं ज़िंदगी के तनो तह को बर्दाश्त करते हुए अपनी तालीम को मुकम्मल करने वाले रिहान से, जो घर पर ही रिहाइश पज़ीर हैं और कभी कभार फंक्शंस में भी जाते हैं। तो मिलते हैं रिहान जानी से। मेरा नाम रिहान जानी है, मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और मैं एक पढ़ी लिखी ख्वाजा सरा हूँ और इस तरह कि मैं लोगों की परसेप्शंस चेंज करना चाहती हूँ ट्रांसजेंडर के बारे में कि इस लोग अपने राइट्स से। बचपन में चाइल्ड हॉल में इंसान को जब छोटी होती है तो उसको इस तरह पता नहीं होते कि मैं बड़ियों की क्या बनूंगी क्या नहीं बनूंगी, लेकिन ये एक इंसान में अपने अंदर एक गर्लिश टाइप होती है जितनी भी ट्रांस है वो ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना दिल के सेंसिटिव हो गया, दिल के जो बहुत ज़्यादा नरम लोग होते तो इस सारी शीमल्स हैं। मैं जब छोटी थी बचपन में तो मैं लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा खेलती थी और इस तरह घर में भी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होती थी, कह रहे कि नहीं मत खेलो तुम लड़की हो तो लड़कों वाली आदतें करो, लेकिन मुझे कभी इस तरह फील नहीं हुआ कि मैं एक लड़का हूँ। तो बस मैंने कहा मैं लड़की हूँ, जब बड़ी हो गई हूँ तो माशरे के तानों ने फिर मुझे सिखाया कि तुम एक ख्वाजा सरा हो, क्योंकि माशरे के लोग मुझे कभी, मैंने कहा कि मैं लड़की हूँ, जब बड़ी हो गई तो मुझे पता चले कि माशरे में इस तरह ट्रांस लोग भी होते, जब इंसान में चोर होते तो उसको पता चल जाते ना कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं, माशरे के लोग उसको बहुत इतने तंग कर देते हैं कि वो फिर खुद ही एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैं एक ख्वाजा सरा हूँ। बचपन में तो इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं होती, सब कहते हैं कि चलो बच्ची खेलती भी या कुछ इस तरह लड़कियों के साथ भी कुछ इस तरह होते हैं तो ऐसे कोई बड़ी इशू नहीं थी, लेकिन जब इंसान में चोर होते हैं वो बलूगत तक पहुंच जाते तो वो समझ जाते हैं ना कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। तो इसी वजह से जब मैं बड़ी हो गई तो फिर माशरे ने मुझे इतने ताने दिए कि मैंने खुद बस सब कुछ छोड़े, मैं ट्रांस कम्यूनिटी फील्ड में जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं मैं इसमें आ गई हूँ। इस लोगों के साथ मैंने अपना स्कूल टॉप किया था, मैट्रिक के रिजल्ट जब आए तो मैंने अपना स्कूल टॉप किया था और उसके बाद फिर मैंने एफएससी जब कर ली कॉलेज से तो वो भी फर्स्ट डिवीज़न में थी प्री मेडिकल में, उसके बाद फिर मैंने बीएससी बायोकेमिस्ट्री कर दी वो भी फर्स्ट डिवीज़न में थी, यानी कि मैंने कहा कि मैं इस तरह कुछ कर लूँ कि हेल्थ के बारे में या कोई इस तरह डिया फार्मा कर लूँ, लेकिन इस तरह था कि मेरे एक्सपेंसेस और फाइनेंस की वजह से, यानी कि फाइनेंशियल इंसान जब वीक होते तो इस तरह जब स्टेप उठाते हो फिर इस तरह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में जितने पीपल हैं और वो कह रहे कि मैं आगे एजुकेशन करना चाहती हूँ हासिल करना चाहती हूँ पढ़ते हूँ, लेकिन माशरे में कोई भी उसको इस तरह एक्सेप्ट नहीं करते, छोड़ते भी नहीं। अगर मैं इस तरह, मैंने बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क में डिफ़िकल्ट टाइम में मैंने ना इस अपनी एजुकेशन को अपनी स्टडी को ना कंटिन्यू रख दी, कि जितने भी हमारे ट्रांस फ्रेंड्स थे और वो उस लोगों के साथ मेरे जब दुआ सलाम स्टार्ट हुई थी उस टाइम तो इस तरह कोई भी एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा थे ही नहीं इस ट्रांस कम्युनिटी में, जितनी भी ज़्यादा तो ज़्यादातर इसमें जो है अनएजुकेटेड पर्सन है। तो मेरे अपनी एक ख्वाहिश थी विश थी, मैंने कहा कि मैं अपनी स्टडी को कम्प्लीट कर लूँ। यूनिवर्सिटी लाइफ मेरी बहुत अच्छी थी, टाइम अच्छा गुजरे यूनिवर्सिटी में सब फ्रेंड्स के साथ, हमारे टीचर भी जो थे बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ अच्छे थे
और कुछ इस तरह स्टूडेंट हमारे क्लासमेट भी कुछ इस तरह होते थे, कभी ना कभी तंग करते थे, लेकिन उसमें कुछ लड़कियां जो होती, लड़कियां हमारे साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती थी, लड़कियां कुछ नहीं कहती थी ज़्यादातर, और लड़के जो होते थे वो तंग करते, वो तो अभी भी यूनि में तंग करते हैं मुझे, लेकिन मैं अपने स्ट्रगल करती हूँ कि मैं अपनी एजुकेशन कम्प्लीट कर लूँ, मैं किसी की बातों के पीछे नहीं जाती हूँ, मेरे मिशन है कि मैं इसे कम्प्लीट कर लूँ, मैं इसलिए यहाँ पर आती हूँ, वरना मैं क्या करती, मैं फिर घर में बैठ जाती, किसी डेरे में बैठ जाती, बस काम ही खाता हूँ। सर प्यार तो हर किसी को होती है, लेकिन हाँ मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स में सबके साथ, मेरा अबुआ, मेरी अम्मी और मेरे बहन भाई सबके साथ प्यार किया। इसके अलावा सर मैं आपको क्या बताऊँ, इस तरह हाँ फ्रेंड्स तो सब के होते हैं, मुझे ब्लैक, रेड और पर्पल बहुत ज़्यादा पसंद, तीनों कलर बहुत ज़्यादा पिंक भी पसंद है। हाँ कभी ना कभी जब दिल होते हैं तो इस तरह कुछ ना कुछ काम करते हैं। एग्जैक्टली इस तरह मैं आपको अभी क्या कहूँ, लेकिन मुझे पूरे घर का काम सब कुछ करना आते हैं, करती हूँ, अपने शौक से भी करती हूँ, और इस तरह जो काम बस घर में होते हैं वो मैं सब करती हूँ, कुकिंग भी करती हूँ, और इस तरह और भी घर में अगर कुछ काम हो तो सफाई की वो खुद में कर लेती हूँ। ये तो मैं आपको अभी बताऊँ, ये तो आपकी आँखें खूबसूरत है कि आपने मुझे इतनी अच्छी बात कही, थैंक यू सो मच। और ये इंसान की अपनी नज़र होती है। फैमिली जब उसको पता चलता है कि हमारी एक ट्रांसजेंडर है पेशा, फिर भी पश्तून कल्चर में ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इसलिए हो के लिए एक बड़ी शर्म की बात होती कि हमारा बेटा जो है वो इस तरह हो गया, ये हमारा बेटा जो है ये ऐसे हो गए, वैसे हो गए। तो सर ये जो होते ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, इंसान तो ये नहीं कहते कि मैं नहीं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं जो कर रही हूँ या करने जा रही हूँ, मैं बड़ी होगी इस तरह बनूँगी। तो फैमिली में कोई भी इस तरह एक्सेप्ट मुझे ज़्यादातर स्टार्ट में नहीं करता था ना, अगर मेरी अम्मी से कोई पूछता था कि तुम्हारा बेटा है या बेटी है ये क्या है, तो मेरी मम्मा जस्ट मुझे एक्सेप्ट करती तो वो मुझे क्या सबको कहती कि नहीं ये मेरी बच्चे है, जो भी है कि मेरा बच्चे है, लेकिन कभी इस तरह किसी को नहीं कहे कि नहीं ये ख्वाजा सरा है या कोई ट्रांस है या कुछ और है। तो उसने मुझे एक्सेप्ट किया हुआ है, मुझे किसी की बातों की परवाह नहीं। मुझे तो बहुत ज़्यादातर लोग तो बहुत तंग करते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी, और साहब कोई मुझे बार भी इस तरह थ्रेट्स देते हैं कि कोई कहते या पर मैं तुम्हें मारूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, बस टारगेट किलिंग्स की धमकियां तो होती रहती है, हर ट्रांस के लिए होती है, जो फंक्शन फील्ड में होते हैं तो सबको थ्रेट्स मिलती है बार बार इसी बातों पे। मैंने इस कम्युनिटी को तब ज्वाइन किया, ज्वाइन में इस तरह खास नहीं कर मेरे फ्रेंड्स थे, लेकिन मैं फंक्शन के लिए नहीं आ रही थी, जब मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, जब वालिद साहब की डेथ हो गई तो उसके बाद फिर एक्सपेंसेस और जितने स्पेंड मेरे थे वो कंप्लीट नहीं हो रहे थे, घर भी सारा जिम्मा मेरे सर पे था, सब कुछ मेरे जिम्मे पे था, मेरे सारे छोटे बहन भाई है और बड़ी कोई नहीं है, मेरे सारे बहनें भाई नहीं, एक मैं हूँ, बस सब ये के साथ रहते, लेकिन ये कि फिर मैं अपनी पीसेस और एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए मैं इस फील्ड में जब आई तो मैं एजुकेशन के लिए मैंने कहा मैं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लूं, तो इसी वजह से फिर मैं इस फील्ड में आ गया, वरना मैं नहीं आ रही थी इस फील्ड में। ये मुआशरे के जो लोग हैं, ये यानी कि सोसाइटी की जो कंडीशन से आप खुद देखते हैं कि मैं जब भी शिमल कोई रास्ते पे भी जाते तो उसके पीछे भी आवाज़ें लोग लगाते, कभी किस नाम से, कभी किस नाम से, कोई किसी को इस तरह नहीं कहते कि ये ट्रांसजेंडर या शिमल या डांसर है। अगर इस पश्तून कल्चर में अगर आप देख ले, कोई कहते मलदा सीचड़ा दे, कोई कहते गुलबबोदा, कोई इस तरह अपवर्ड्स नेम लेते, तो ये तो इंसान जी तो क्रिएशन ऑफ गॉड होती है, अल्लाह ताला की तहलीक होती है, हर इंसान अब मुझे बहुत ही अच्छे होते हैं। मुआशरे में जो लोग ये हमें हकारत की नज़र से देखते हैं, कभी हमें किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया इस तरह की, नहीं आप हमें आज तक किसी ने नहीं बोले कि तुम मेरे बेटे हो या बेटी हो या जो भी हो मेरे बच्चे हो, सब ये कहते बस दा सिछड़ा दे दा दा और इस तरह बातें करते, तो हम भी तो इंसान हैं
और हर इंसान को अपनी राइट्स मिलनी चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स जितनी भी हो उसको सब राइट्स मिलनी चाहिए। हम लोगों से तो शरुल दबाव भी इस लोगों ने अच्छी बनाई हुई कहती कि वो अच्छे लेकिन तुम लोग अच्छी नहीं हो। हम जहाँ पर भी जाते हैं हमें निगलेक्ट करते हैं लोग, बहुत ज़्यादातर नज़रअंदाज इसलिए करते कि वो कहते कि नहीं बस ये एक ख्वाजा सरा है, ट्रांसजेंडर है, और दूसरों ट्रांसजेंडर की तरह फिर हमें भी देखते हैं कि इसमें एजुकेटेड भी होते हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड। आई एम नॉट ओनली एजुकेटेड पर्सन इन दिस फील्ड, दे इसमें ना बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग इस फील्ड में है। तो मैं कह रहा हूँ कि सबको इस तरह फैसिलिटीज़ दी जाए इस फील्ड में कि उस लोगों को इज्जत दी जाए, इज्जत की निगाह से उसे देखा जाए, तो फिर इसमें कोई भी पीछे नहीं रहेगा। कोई अगर अपनी सोच में सही नहीं होती तो हमें भी नेगेटिव सोच से देखते हैं, नेगेटिव माइंडेड से देखते हैं। तो ये कि हमें ज़िंदगी में किसी भी ऐसे मोड़ पर नहीं छोड़े हमें, ना तो हमें अपनी तर्ज अमल पर ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं छोड़ते हो, ना तो हम उसकी तर्ज अमल पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जब मैं स्टार्ट में फंक्शन के लिए निकली तो स्टार्ट में जब भी कोई नए निकलते हैं तो सब लोग उसको ही टारगेट करते हैं कि नहीं बस दानवी कसर होते दे, नवे माल दे, और इस तरह बातें करते ना कि नहीं ये नया है और इसमें ये होगा इसमें वो होगा। तो वो कह रहे कि पहले कोई अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, वो पहले कहते कि नहीं हम इसको पहले उठाएंगे, फिर दूसरा कहते नहीं हम इसको उठाएंगे, फिर तीसरा इस तरह कहते, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग बिलगान्स का जो नाम इस लोगों ने दिए उसे ट्रांस कम्युनिटी में के उसको बिलगान कहते हैं कि नहीं इसमें जितने भी लोग हैं। तो कहते कि जब भी नए कोई पेशावर में होते या केपी में होते या जिधर भी नए कोई इस तरह आ जाते तो उसके साथ यही रद्द अमल होते कि उसके साथ इससे जिनसी तशद्दुद होते, एक ही टाइम पे 20-25 आदमी उसके साथ मिलते हैं। तो ये भी तो इंसान है, इसके लिए भी तो राइट्स के लिए बोलनी चाहिए कि नहीं इस लोग के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे ही नाखुशगवार वाक़िया तो मेरे लाइफ में सर कोई नहीं आए, और मुझे जो ये थ्रेट्स तो बहुत मिलते हैं सब शीमल्स को मिलते हैं इस तरह, लेकिन नाखुशगवार वाक़िया अगर इस तरह आए भी तो मैंने खुद हैंडल किया है सब कुछ। इस तरह मेरे एक गुरु है जो उसको मैं कहती हूँ, तो भी मुझे हमारे लिए सब कुछ वही करते हैं। तो अगर हमारा गुरु हमारे लिए कुछ ना करे तो हम खुद कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को यानी हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह कोई हेल्प नहीं मिले, गवर्नमेंट ने कभी हमें इस तरह कुछ नहीं किया। आपने रिस्पॉन्सिबल्स की बात की तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं, गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मैं तो यही मांगना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि मुझे एजुकेशन फ्री कर दिया जाए। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं एमपेल करना चाहती हूँ, मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। हर किसी के पास डिग्रियाँ नहीं होती, मेरे पास मास्टर की डिग्री है। मैं जो है वो मैं प्रूव करके इस लोगों को बताती हूँ कि मेरे लिए एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ कर। अगर जॉब नहीं दे सकते हो, जॉब तुम लोग कहते हो कि तुम लोग नहीं करते हो, अभी तक मेरे इतने इंटरव्यूज हो गए, इतने सब कुछ हो गए, इतने चैनल्स पे मेरे सोशल मीडिया पर बातें आ गई, अभी तक मुझे किसी इस तरह गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सरखास्त नहीं आए कि तुम इसके लिए या मैं हम कोई आपकी जॉब देना चाहते या कुछ और करना चाहते, तो इस तरह कोई भी हमें कुछ इशू नहीं दी। मैं तो आवाम से ये अपील करना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर जितनी भी है उसकी इज्जत करनी चाहिए, और इसमें जिसके घर में भी इस तरह अगर कोई ट्रांस हो तो उसके वालिद साहब यानी कि उसकी फैमिली मेम्बर्स को चाहिए कि उसे एक्सेप्ट कर ले, उससे इस तरह उस पर फोर्स ना करे कि तुम एक ट्रांसजेंडर हो, ख्वाजा सरा हो। इस तरह उसके दिल को दुख पहुँचते, वो इसलिए घर से भी बाहर आ जाते, फिर बाहर जगहों में बैठ के फिर यही फंक्शन अटेंड करते। इसलिए सबसे अपील करती हूँ कि अपने अगर किसी के बच्चे हो तो इससे ज़्यादा इसको ना और बच्चों से ज़्यादा इसको ज़्यादा मोहब्बत दे, क्योंकि जितनी मोहब्बत इस लोग के घर में मिलेगी इसको तो उतनी ज़्यादा अपने घर में रहेगी और खुश होंगे, तो कोई भी उस पर ऐसे ब्लेम नहीं लगेगी कि ट्रांसजेंडर या कोई ख्वाजा सरा या कोई शीमा है। अजब किस्सा है हयात नौ का, रूह और कलबूत और किस्सा बयां और है, न मैं समझा सका तुझे अपने वजूद की दास्तां, न तू जान सका मेरी आहो बका का किस्सा।